कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें गुजरात वाइब्रेंट समिट का शुभारंभ करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 12 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही 130 से ज्यादा देशों के राजनयिक मंत्री या उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट का थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखा गया है। इसमें शामिल होने के लिए यूए के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहमान कल शाम को ही अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने कल उनकी अगवानी की, उनके साथ 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। इस बार समिट में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ऑटो सेक्टर जैसे मुद्दे अहम हैं। ब्रिजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रिजेश, शुभारंभ हो गया है क्या समिट का? नेहा, अभी शुरुआत नहीं हुई, अभी ग्रुप फोटो चल रहे थे। जो हमने तस्वीरें देखी हैं वो तस्वीरें थी जो हेड्स आए हैं 4 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रुप फोटोज हमने देखे हैं। वो ग्रुप फोटो सेरेमनी थी जो यहीं पे महात्मा मंदिर में हुई है, और चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तिमोर लेस्टे के प्रेसिडेंट हैं, मोजाम्बिक के, चेक गणराज्य के और साथ ही यूएई के राष्ट्रपति, चारों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर में हम जहाँ खड़े हैं वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का जो मेन इवेंट होने वाला है, जहाँ पे होगा, तो वहां पे 9:40 का टाइम है। सब महान जो भी अतिथि हैं, सब महानुभाव हैं, वो यहां पे पहुंचेंगे। 9:40 को यहां से शुरुआत होगी और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और आधिकारिक तौर पे ये 10वीं ग्लोबल समिट जो है वो उसका भी उद्घाटन होगा आज। जो है दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि 12:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री का चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल टॉक भी है, तो वो द्विपक्षीय बातचीत भी होगी और वहां पे भी कुछ समझौते जो है वो हो सकते हैं। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति यहां पे आए हुए हैं और उनके साथ भी प्रधानमंत्री का जो है वो द्विपक्षीय बातचीत 12:30 के बाद, जब ये वाइब्रेंट का मेन कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद वहां पे साइड ऑन में द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है, तो वो एक कार्यक्रम भी है जो ये मुख्य कार्यक्रम के बाद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। कल 2 राष्ट्राध्यक्षों के साथ, 3 माफ कीजिए, यूएई के साथ शाम को हो चुकी थी और मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के साथ जो है वो कल सुबह हुई थी। इसके अलावा कुछ ग्लोबल सीईओज हैं जो आज, कल 5 सीईओ से मुलाकात हुई थी, आज बाकी 5 या 7 ग्लोबल सीईओज हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री का 1-to-1 मीटिंग जो है वो होने वाली है, तो वो भी होगी जिससे भारत में आने वाले निवेश के लिए जो है उनको बात की जाएगी कि भारत में जो निवेश है वो कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह से बाकी जो सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो या फिर ग्रीन एनर्जी की बात हो, सभी चीज़ों में जो है भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, भारत में किस तरह से उस चीज़ों में निवेश आ सकता है। आज भी जो है यहाँ पे 100 से ज़्यादा देशों के जो हैं वो प्रतिनिधि आए हैं और वो आज इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये अब तक का सबसे बड़ा वाइब्रेंट गुजरात समिट माना जा रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वाइब्रेंट गुजरात समिट की, जिसमें राष्ट्राध्यक्षों के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी करते दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ ही देर बाद, चंद क्षणों बाद, इस वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ हो जाएगा। 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें जाहिर तौर पर कई अहम मुद्दे इस समिट में शामिल किए जाएंगे। कल देर शाम हमने देखा था कि यूए के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। इसी तरीके से सभी राष्ट्राध्यक्षों का एक एक करके स्वागत किया गया और अब अगले 3 दिन तक ये सभी राष्ट्राध्यक्ष किस तरीके से गुजरात में अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। ब्रिजेश दोषी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। ब्रिजेश, जाहिर तौर पर किस तरीके से भारत के संबंध इन तमाम देशों के साथ प्रगाढ़ और मजबूत होंगे, इस पर भी फोकस रहेगा, लेकिन आने वाले वक्त में गुजरात को कैसे अर्थव्यवस्था के नए आयाम छूने हैं, ये जाहिर तौर पर हर बार इस समिट का फोकस रहता है। बिल्कुल, देखिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, उसका मेन फोकस यही रहा है कि गुजरात को जो है, गुजरात की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो और कैसे जो निवेश हैं वो गुजरात में सबसे ज़्यादा आए। पिछले 10 साल की बात हो या पिछले 15 साल की बात हो, गुजरात हमेशा से जो है वो
विदेशी निवेश के मामलों में जो है गुजरात हमेशा नंबर एक या नंबर दो पे रहा है, टॉप फाइव में हमेशा रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट रही है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कहीं पर भी अगर जो है निवेश आया है तो वो गुजरात में आया है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की वजह से इतना बड़ा निवेश गुजरात में आया है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो औद्योगिक रोजगार की बात है, 2001 तक गुजरात में सिर्फ 7 लाख औद्योगिक रोजगार अवेलेबल थे, अब वो आंकड़ा 22 लाख तक पहुंच चुका है। तो ये वाइब्रेंट गुजरात की फलश्रुति है कि जिसकी वजह से जो है इतना ज्यादा औद्योगिक रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो जब लोगों को रोजगार चाहिए तो रोजगार की जो बातें होती है, गुजरात में सरकार का जो भारत सरकार के आंकड़े हैं इस हिसाब से गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी जो है वो यहाँ पे है, मतलब कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले राज्यों में गुजरात अव्वल है। तो ये जो चीजें हुई हैं वो उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो है वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट भी रहा है। और अब कुछ ही देर में यहाँ पे प्रधानमंत्री और सभी जो डिग्निटरीज हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद ये 10वें संस्करण का उद्घाटन होगा और 10वें संस्करण की शुरुआत भी होगी। जिस तरह से हमने देखा कि कल ग्लोबल ट्रेड शो का भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसके अंदर करीबन 130 देशों के जो है प्रतिनिधि वहां पे पहुंचे थे। और उस ट्रेड शो में भी हमने देखी सभी चीजें हमको देखने को मिली, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट की बात हो, गिफ्ट सिटी की बात हो, धोलेरा स्मार्ट सिटी की बात हो, हर तरह के प्रोजेक्ट्स जो गुजरात में चल रहे हैं या आने वाले दिनों में चलेंगे उसके ऊपर बात की गई है। जो निवेश वाले जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर का सेमीकंडक्टर क्षेत्र हो या फिर दूसरे कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र की जो यहाँ पे वो है वो देखने को मिला है। हर जगह पे स्टॉल लगे हैं। साथ ही माइक्रोन जिसने अपने सानंद में जो गुजरात के सानंद में उनका प्लांट शुरू हो रहा है उसका शिलान्यास हो चुका है और उसके सीईओ जो है वो कल प्रधानमंत्री से मिले थे और आज स्टेज पर उनका संबोधन भी रहेगा। उसके अलावा सिमटेक के सीईओ भी जो है वो आज बात करेंगे, उनका भी संबोधन जो है यहाँ रहेंगे। और यहीं पे स्टेज पे जो है ये मुख्य जो हॉल है वहाँ पे प्रधानमंत्री और बाकी सारे जो डिग्निटरीज हैं वो आ चुके हैं और यही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सभी लोग जो है पीएम को वेलकम करते हुए दिख रहे हैं, जितने भी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं सब अपनी जगह पे खड़े होकर प्रधानमंत्री का वेलकम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पे जो है चारों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, साथ ही अलग अलग जो गवर्नर्स हैं, मंत्री हैं, वो भी 100 से ज्यादा देशों के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह से जो है पूरी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अभी यहाँ पे दिख रहे हैं स्टेज की तरफ आते हुए और जो फर्स्ट लाइन है वहां पे सब लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री भी नीचे बैठेंगे, इस बार स्टेज पे कोई लीडर्स नहीं बैठेंगे, स्टेज के ऊपर कोई नहीं रहेगा। ये देखिए यूएई के प्रेसिडेंट और साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद हैं। सभी जो लीडर्स जो बाहर से आए हुए हैं वो सभी यहां पे पहुंचे हुए हैं। गुजरात के राज्यपाल भी दिख रहे हैं, यूएई के राष्ट्रपति जो सबसे मुख्य अतिथि है आज वो यहां पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीर है सीधी 10वें गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट से। थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पे इस समिट को खुला रखा जाएगा जो 3 दिन चलेगा और यहाँ पे करोड़ों के निवेश की बात होगी। साथ ही 10 बड़े उद्योगपति भी जो है संबोधन करने वाले हैं, उनका संबोधन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी नेहा, ठीक है, हम देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस समिट में इस वक्त है और अब से कुछ ही देर बाद इसका औपचारिक शुभारंभ, वाइब्रेंट गुजरात समिट का औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा। तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी आप देख सकते हैं उसी पंक्ति में बैठे हैं जहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। और ये 3 दिन तक चलने वाला समिट है जिसका आयोजन गांधीनगर में किया जा रहा है, महात्मा मंदिर में। 10 से 12 जनवरी तक इस समिट का आयोजन होगा और तमाम अहम मुद्दे जो सभी देशों की अर्थव्यवस्था और वैश्विक मुद्दों से जुड़ते हैं उन पर चर्चा की जाएगी। 2003 में पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था लेकिन कोविड के बाद ये पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट है। 10वें समिट का ये आयोजन हो रहा है 2024 में। माना जा रहा है लगभग 10:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा जिसमें वो सभी गणमान्य की जो मौजूदगी है उनका स्वागत करेंगे। ब्रजेश दोषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश, जाहिर तौर पर सबकी सीटिंग हो चुकी है, सभी वहां पर मौजूद हैं, कुछ ही क्षणों बाद इसका औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री का संबोधन कितने बजे है? 10:45 बजे
नेहा पौने 11 नहीं पौने 12 बजे जो है वो संबोधन होगा 11:40 AM ये टाइम है आफ्टर 11:30 11:30 के बाद कभी भी उनका संबोधन हो सकता है। जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आज मिला है उसके मुताबिक आधे घंटे के अंदर जो 10 बजे के बाद जो है 10 से 10:30 के बीच जो 10 उद्योगपति है उनका संबोधन रहेगा। 10:30 से 11 बजे का 11:15 का टाइम है जिसके अंदर जो विदेशी गवर्नर आए हैं या फिर जो मंत्री आए हैं 100 देशों के वो उनमें से 10 लोगों का संबोधन रहेगा। और 11:15 से 11:30 तक जो 3 हेड ऑफ स्टेट्स हैं टीमोर लेस्ते के राष्ट्रपति, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति और चेक गणराज्य के राष्ट्रपति उनका संबोधन रहेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। अभी जो है वाइब्रेंट गुजरात की फिल्म जो है दिखाई जा रही है किस तरह से वाइब्रेंट गुजरात ने ग्लोबल समिट ने जो है गुजरात को बदला है, गुजरात के विकास को बदला है, गुजरात का विकास कितना बड़ा हुआ है और साथ ही उससे भारत को क्या फायदा हुआ है। गुजरात आज देश की औद्योगिक जो निर्यात है उसमें 33% का भागीदार है।